गाइस, अगर आप जरोधा ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो और आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में जा रहा है या किसी और कारण से अपना जरोधा डीमैट अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तो कैसे क्लोज करोगे, ए टू जेड प्रोसेस इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आसानी से अपना जरोधा डीमैट अकाउंट को क्लोज कर पाओगे। तो वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, जिससे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो और आसानी से अपना जरोधा डीमैट अकाउंट को क्लोज कर पाओगे। तो चलिए गाइस, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं डिटेल्स में। वीडियो शुरू करने से पहले टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रस्टेड अपडेट के लिए लर्न विद हनी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए। सो गाइस, अगर आप भी जरोधा ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो और आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में जा रहा है या किसी और कारण से अपना जरोधा डीमैट अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तो कैसे क्लोज करोगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आसानी से अपना जरोधा डीमैट अकाउंट को क्लोज कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में जरोधा डीमैट क्लोजर फॉर्म को डाउनलोड करनी होती है। तो डाउनलोड करने का जो तरीका है, जरोधा का वेबसाइट से या जरोधा के एप्लीकेशन से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने अपना जरोधा का डीमैट अकाउंट क्लोजर फॉर्म डाउनलोड कर लिया है। तो कैसे इसे फिलअप करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताता हूँ, जिसको आप आसानी से फिलअप कर पाओगे और फिलअप करके अपना डीमैट अकाउंट को क्लोज कर पाओगे। तो मैं अपना जरोधा डीमैट क्लोजर फॉर्म को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद ये जूम हो जा रहा है। तो सबसे पहले गाइस, आपको बता दूं कि जरोधा क्लोजर फॉर्म को फिलअप करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला तो आपको जो भी फिलअप करनी है आपको इंग्लिश में कैपिटल लेटर में फ़िलअप करनी है, और दूसरा है कि आप जो भी फिलअप करोगे आपको टेक केयरफुली आपको फिलअप करनी है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है उससे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्लोजर फॉर्म को सबसे ऊपर दिया गया है अकाउंट क्लोजर डीएक्टिवेशन फॉर्म, और उसके नीचे यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं आपको क्लोज करने के लिए। तो जरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा है जरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड डीमैट अकाउंट, और तीसरा है जरोधा कमोडिटेड प्राइवेट लिमिटेड। तो जो भी अकाउंट को आप क्लोज करना चाहते हो उसको सामने आपको टिक करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट या कमोडिटी अकाउंट, उसके सामने टिक करनी है। और इसी के सामने आपको एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन दिया गया है राइट साइड में, तो आपको यहाँ पे नीचे में एप्लीकेशन नंबर देनी है, उसके सामने ही डेट का ऑप्शन दिया गया था, जिस डेट को आप फिलअप कर रहे हो इस फॉर्म को उस डेट को यहाँ पे आपको दे देनी है। उसके नीचे यहाँ दे दिया गया है डीएक्टिवेशन अकाउंट और क्लोज अकाउंट। तो यहाँ पे अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो अकाउंट को तो आपको डीएक्टिवेशन के सामने आपको टिक करनी है, अगर आप अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करना चाहते हो तो आपको क्लोज के सामने टिक करनी है। उसके बाद यहाँ दे दिया गया है, मैंने जो पहले ही बताया था ब्लॉक लेटर इंग्लिश में आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पे डियर सर मैडम आई वी द सोल होल्डर ज्वाइंट होल्डर दे दिया गया, और नीचे में ऑप्शन आप स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर डिटेल्स मांगा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, ट्रेडिंग क्लाइंट आईडी आपका मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग क्लाइंट आईडी आपको फिलअप करनी है। ट्रेडिंग क्लाइंट आईडी के सामने उसके नीचे यहाँ पे डीपी आईडी आपका शो कर रहा है, और यहाँ पे बीओ आईडी के सामने आपको बीओ आईडी देना पड़ेगा। उसके नीचे यहाँ पे फर्स्ट सोल होल्डर और सेकंड सोल होल्डर और थर्ड सोल होल्डर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट सोल होल्डर में अपना नाम देनी है, अगर आपका सेकंड सोल होल्डर है तो उसका भी नाम देनी है, और थर्ड सोल होल्डर है तो उनका भी नाम देनी है। देने के बाद यहाँ पे एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस रिकॉर्डेड इन द डीमैट अकाउंट, यहाँ पे आपको परमानेंटली एड्रेस आपको देनी है, जिस एड्रेस के द्वारा देने के बाद आपका जो जरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन हुआ था उसी एड्रेस को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सिटी पड़ता है उस सिटी को यहाँ फिलअप करनी है, और उसके सामने स्टेट का ऑप्शन शो कर रहा था, आपको स्टेट वाले ऑप्शन में स्टेट आपको डालनी है। उसके बाद आपका जो पिन नंबर है वो पिन नंबर यहाँ पर देनी है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आप अकाउंट बनाते समय जरोधा का जो दिए थे पिन नंबर सिटी स्टेट वो सारे यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, आपको दूसरा कोई सिटी एड्रेस या स्टेट का नहीं फिलअप करनी है। सिटी ऑप्शन के नीचे ही डिटेल्स ऑफ रिमिंग सिक्योरिटी बैलेंस इन अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, और नीचे में रीजन फॉर क्लोजिंग द अकाउंट का ऑप्शन के सामने ही आपको यहाँ पे किस कारण से अपना जरोधा डीमैट अकाउंट या जरोधा ट्रेडिंग अकाउंट या कम्युनिटी अकाउंट को आप क्लोज करना चाहते हो उस रीजन को यहाँ पे देनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है किस रीजन से अपना अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो। उसके नीचे यहाँ दे दिया गया है बैलेंस रेमिंग इन द अकाउंट, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल पर आपको टिक कर देनी है, और उसके नीचे यहाँ पे डी पी आई डी का ऑप्शन देख रहा है, तो डी पी आई डी में अपना आपका जो डी पी आई डी है उसको यहाँ पे फिलअप कर देनी है उसके सामने, और उसके सामने यहाँ पे क्लाइंट आई डी का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको क्लाइंट आई डी यहाँ पे फिलअप कर देनी है, और उसके नीचे यहाँ बैलेंस प्रेजेंट इन अकाउंट फोर, तो यहाँ पे क्या कर देनी है आपको लॉग इन वाले ऑप्शन में टिक कर देनी है।
और इसके नीचे यहाँ पे डिक्लेरेशन में इन केस ऑफ अकाउंट क्लोजर ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ अकाउंट, तो अगर आप इस अकाउंट को आप शिफ्ट करना चाहते हो ट्रांजेक्शन को, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट होल्डर और सेकंड होल्डर और थर्ड होल्डर वाले ऑप्शन में आज जिस भी आप ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप शिफ्ट करना चाहते हो वहाँ पे सिग्नेचर करनी है और नाम देनी है। और ये सब फिलअप करने के बाद यहाँ पे नीचे में जो ऑप्शन शो कर रहा है एक्नॉलेजमेंट, तो इस वाले ऑप्शन को आपको छोड़ देनी है क्योंकि ये फॉर ओनली ऑफिस यूज के लिए है। और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको क्या करनी है, आपको जरोधा का जो हेड ऑफिस है उस एड्रेस पर आपको इसे बाय पोस्ट सेंड कर देनी है। सेंड करने के बाद 7 से 10 दिन के बाद आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट हो या डीमैट अकाउंट हो या कमोडिटी अकाउंट हो उसे क्लोज कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से अपना जरोधा का अकाउंट क्लोज कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से अपना जरोधा अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। तो गाइस अगर अभी कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन है किस प्रकार से अपने अकाउंट को क्लोज करें तो मुझे कमेंट से कमेंट कीजिए, और ऐसे टेस्ट नॉलेज वीडियो के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक टेक केयर, जय हिंद।